हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना, देन प्लास्टिक एक जहरीला जहर, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा, जल को प्रदूषित करता है, भूमि को प्रदूषित करता है, समुद्री जीवन के लिए खतरा और पशुओं के लिए हानिकारक। इस तरह से इस हेडिंग में हम खतरे के बारे में बताएंगे, फिर हम लिखेंगे इसके समाधान के उपाय, देन हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो चलिए निबंध शुरू करते हैं। तो मैंने अपने निबंध की शुरुआत एक नारे के साथ, एक स्लोगन के साथ की है, प्लास्टिक को हटाना है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। प्रस्तावना, आज के समय में प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए एक गंभीर संकट बन गया है और आने वाले समय में यह और भी अधिक भयानक होने वाला है। इस समय हम सभी प्लास्टिक पर निर्भर से हो गए हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि हमारे जागने से लेकर रात सोने तक किसी न किसी चीज़ में हम प्लास्टिक का उपयोग करते रहते हैं। प्लास्टिक एक जहरीला जहर। हम प्लास्टिक को एक वरदान समझते हैं, लेकिन प्लास्टिक हमारे लिए सुविधा नहीं बल्कि एक जहरीला जहर है। प्लास्टिक के उपयोग से भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक को सबसे जहरीला और ना खत्म होने वाला प्रदूषण इसलिए माना जाता है कि यह ना तो गलता है और ना ही समाप्त होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसको पूरी तरह से समाप्त होने में 500 से 1000 साल लग जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स को बनाने में कई तरह के खतरनाक केमिकल्स जैसे जाइलेन, इथिलीन ऑक्साइड, बेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों सभी के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा। प्लास्टिक दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, इसलिए यह जल और भूमि में विघटित नहीं होता है। यह वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है, जिससे यह भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक से बने अन्य उत्पाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तथा मिट्टी और पानी के स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। आगे बताए गए कारणों से प्लास्टिक हमारे पर्यावरण और पृथ्वी के जनजीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। जल को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक का दुष्प्रभाव भूजल के साथ साथ नदियों व अन्य जल स्रोतों पर भी पड़ रहा है। भूमिगत जल स्रोतों को सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण के कारण अब भूमिगत जल में कार्बनिक रसायनों व अन्य प्रदूषकों की उपस्थिति मिलने लगी है। पॉलीथीन के उपयोग से नदी नाले के साथ दूसरे जल स्रोतों का बहाव अवरुद्ध हो रहा है। इससे जलीय जीव जंतु नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए हैं। भूमि को प्रदूषित करता है। भारी मात्रा में प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे का लैंडफिलों में निस्तारण किया जाता है। मिट्टी के साथ मिलकर प्लास्टिक हानिकारक रसायन उत्पन्न करता है, जो कि मिट्टी के गुण तथा उर्वरकता को नष्ट कर देता है। यह पेड़ पौधों में वृद्धि को भी प्रभावित करता है। समुद्री जीवन के लिए खतरा। प्लास्टिक बैग और अन्य प्लास्टिक कचरे जो नदियों और समुद्रों में पहुंच जाते हैं, उसे समुद्री जीवों द्वारा अपना भोजन समझकर खा लिया जाता है, जिससे उनका जीवन खतरे में आ जाता है। पशुओं के लिए हानिकारक। कई बार पशुओं द्वारा कचरे के ढेरों में खाने के साथ साथ प्लास्टिक भी खा लिया जाता है, जो उनके अंतों में फंस जाता है, जिससे अंत में या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनके अंदर कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर देता है। इसके समाधान के उपाय। पर्यावरण पर बढ़ते प्लास्टिक के खतरे को कम करने हेतु सरकार के साथ साथ हम सबको भी व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान संभव हो पाएगा। सरकार को चाहिए कि प्लास्टिक पर सख्ताई के साथ रोक लगाए और टेलीविजन आदि माध्यमों से जनता में जागरूकता फैलाए। हम सबको भी प्लास्टिक के उपयोग को जहां तक संभव हो सके कम करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक के थैलों के स्थान पर जूट या कपड़ों से बने थैलों का उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक को फेंकने के स्थान पर उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमें मिलकर एक साथ समय रहते जागरूक होना पड़ेगा और प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करना होगा।
तभी जाकर हम इस न समाप्त होने वाले खतरनाक प्रदूषण से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और इसे स्वच्छ बना सकते हैं। बनाए स्वच्छ सुरक्षित देश, इसलिए प्लास्टिक का करें निषेध। तो इस तरह से हम अगर स्लोगन्स के साथ और हेडिंग्स के साथ अपना निबंध लिखते हैं तो हमारा निबंध पढ़ने वाले पर अच्छा इम्पैक्ट डालता है।